एमा एम के नाकारे एकदम। वो दो भाई खलीफा, अरे वो तो बाहर गए, हम यहाँ के अंदर को देखने तरस गए। मालेगांव के कमिश्नर साहब से भी गुजारिश करता हूँ, और जो ना काम करता है तो उसकी तो समझ बना दो। से, 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 10 से लेके 50% की छूट। मानव समाचार, मानवता के हक में। यह वार्ड नंबर 14 एकदम यतीम हो चुका है। यहाँ चार चार कार्पोरेटर है, एमा एम के नाकारे एकदम। सलीम समसू, नबी अहमद और दो कार्पोरेटर है मसूदुल्ला बेग, एकदम लावारिश कर दिए ले अब्बास नगर वार्ड को, वार्ड नंबर 14 को। ये मस्जिद और मीनारों का शहर यह मालेगांव। यहाँ पे हमारे आमदार साहब मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब, वो भी 3 बार आके देख चुके, पर उनसे कुछ हुआ नहीं। और ये मस्जिद भी जो तामीर हुई है नया पूरे वार्ड से हुए, और उसका उद्घाटन भी जो मस्जिद का है मुफ्ती इस्माइल ने करे थे। अभी ये चंदा करे हमारे शेख रशीद हाजी साहब ने, दो डॉक्टर मुरूम के और जुबेर पार वाले, उनकी जानिब से जो है यहाँ पर मुरूम का काम चालू हो रहा है। तो इसको हमको जो है ना पूरे मालेगांव शहर को दिखाना है। ये मौलाना आए बोले हमको चुन के ला, हम रोड गटर के काम करेंगे, तो तुम कौन से गांव के काम कर रहे और क्या विकास कर रहे तुम बताओ। ये एमआईएम पार्टी ऐसी है, मुसलमानों को बोले भड़का रहे क्या, हम हर को वोट दो हम काम करेंगे, तो तुम कौन सा काम कर रहे एमआईएम पार्टी वाले बोलो। और इनके जो लीडर है बड़े, वो भी मालेगांव शहर में हर 3 महीने में आने वाले थे, वो दो भाई खलीफा जिनको अकबर अवेशी असद अवेशी बोलते, आज तक का तो मालेगांव शहर में आए नहीं। तो आप पिछले 5 साल में तुम आएंगे क्या मालेगांव में वोट मांगने? हाँ, हर महीने बोले थे 3 महीने में मैं आऊँगा काम करेंगे, अरे वो तो बाहर गए, हम यहाँ के आमदार को देखने तरस गए, कौन है हमारा आमदार? ये रोड गड्ढे, ये इतने खतरनाक, मुफ्ती साहब खुद उद्घाटन करने आए थे मस्जिद। इसी महल्ले गांव मुझे कई लोगों ने, कई औरतों ने, कई माँ बहनों ने मुझे बुला कर बताया कि देखो कोई भी कॉरपोरेटर यहाँ पर ध्यान नहीं देता है, हम खुद यहाँ पे पानी जमा होता है तो बर्तन धोने की तकलीफ़ हो जाती है, हमारे को सोने की तकलीफ़ हो जाती है, यहाँ तक हमारे घरों में पानी जाता है। फिर नई मस्जिद का इफ्तिताह भी हुआ इधर पे, तो मस्जिद के मुसल्लिया ने किराम ने भी बोले, मेरी मतलब शॉप के बाजू से ही मस्जिद है, उन्होंने बताया कि बोले हमको नमाज जाने के लिए तकलीफ़ होती है, गंदा पानी कीचड़ वगैरह हमारे ऊपर उड़ता है तो पाक नापाक हो जाते हैं, और बहुत बड़ा गड्ढा होने के बावजूद मैंने एक दो कॉरपोरेटर शमसू जोया सलीम भाई वो लोग को भी बोला, उन्होंने काम पे नहीं लिए, बस बोलते हैं कि रोड का काम चालू होएगा, होएगा तब होएगा जबकि जब अभी नमाज तो 5 टाइम के लिए सभी जा रहे हैं, उनको इतनी तकलीफ हो रही है। और ये माँ बहनों वो लोग ने मेरे को 2 से 4 मरतबा बोले, मैंने इनको रिंग भी किया, कोई ऑप्शन नहीं आया। मैं अपने मालेगांव के कमिश्नर साहब से भी गुजारिश करता हूँ, क्या देखो कोई तो ध्यान नहीं दे रहा है, बट मैं आपसे खुसूसी दरख्वास्त करता हूँ कि तुम खुद विजिट पर आओ, आप हाल देखो और जो फैसला लेना है लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बोलना चाहिए कि अभी आज सुबह भी एक वारदात ये हुई, क्या एक भाई फ़ोन पे बात करते लिए जा रहे थे, उनका कुछ 40,000-1,000 रुपये का फ़ोन था, वो खुद मेरे सामने, मेरी आँखों के सामने वो पानी में गिर गया, और बच्चे छोटे बच्चे स्कूल से जाते रहते, हमारी मैं बहन, बहुत ज़्यादा रोड ये यूज़ होने वाला रोड है, 5 नंबर स्कूल वाला रोड, वो रोड पे काफ़ी लोग आते जाते हैं, मतलब चहल पहल वाला रोड है, कई बार बोलने के बावजूद भी कोई भी ऑप्शन नहीं लिया गया। तो आज हम सब ने मिलजुल कर, हाजी रशीद खजूर वाले ने, जुबैर भाई पान वाले ने, और अनीस भाई अगरबत्ती वाले ने, इमरान भाई मैं मोबाइल वाले, ये सब लोग ने मिलजुल कर कुछ रेती और अपना मुरूम का इंतज़ाम किया है चंदा जमा करके करने का। आपको अफसोस होना चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए, क्या एक आवाम इतनी परेशान है, आपको दिल से चुन के देने के बावजूद आपने कोई काम सही से किया नहीं है, और अगर आइंदा आप क्या मुंह लेके आओगे हमारे पास जब हम तुमको बताएंगे क्या कौन क्या है और हम क्या है। और हम सब ये बोलने के बावजूद मालेगांव के आवाम को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप जो भी हो, आपका एक कीमती वोट बहुत कीमती है, आप सोच समझ के वोट देना, अगर जो काम करता है तो उसी के वोट दो, और जो ना काम करता है तो उसकी तो समझ बना दो। ये हम कमिश्नर साहब को बोलना चाहते हैं कि आप देखिए और आप विजिट कीजिए इधर, यह आवाम परेशान है,
यहाँ के कारपोरेटर कुछ नहीं करते, झक मराते बस। यहाँ के आमदार भी कुछ दबाव डालते नहीं है, ना वो कुछ करते हैं, ना इनके कारपोरेटर कुछ करते हैं। ये 14 नंबर वार्ड के नबी अहमद है, शमसू है, सलीम शमसू, वो लोग तो सिर्फ जाते हैं और आते नहीं इधर, सिर्फ देख के जाते हैं बस। यहाँ बोले सलीम कई बार बोले हम लोग ने, वो शासित कान पे लेते ही नहीं है।